It's a pleasure sharing the stage with you. So that's exactly what we are. Welcome, sir, and thank you so much for being here with us. Now, look at that, you know, it's a treat to actually see this moment happening in front of your eyes. Thoda sa ye light ko thoda sa kam karenge, please. We have all the lights. Let's go. Shailen Mehta ji, please. Can I please have Mr. Shailen Mehta, the co-founder and director of Divine Solitaires, to join us on the stage? And now, please, samman kijiye Pankaj Udas ji. Yes. Thank you. Bachaunga ek aur khoobsurat bouquet ke saath. If you can please fill stage, Salim bhai on the stage, please. Jignesh bhai, please, do the honors. साथ ही साथ मैं दावत दूंगा स्टेज के ऊपर मिस्टर हितेश मेहता हुज द पार्टनर एच दीपक. हितेश जी, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज टू फिल स्टेज आर वेरी लवली गुलजार साहब ऑन द स्टेज. सो प्लीज एंड नाउ दिस वेरी मोमेंट वी वुड रिक्वेस्ट मिस्टर नीरज रॉय, यू कैन कम अप हियर ऑन द पोडियम विद अस and talk about Hangama and this amazing, unique collaboration which is going to be happening today. Thank you so much for giving me this opportunity. And बजाय इसके कि बैठे बैठे बात करूँ, मुझे वो स्कूल से आदत हो गई है खड़े होकर याद किया करो. तो आज भी वैसे ही आदत है, खड़े होकर बात करूँ तो आसानी लगती है. लेकिन
मुबारकबाद आप सबको जो इसमें इस एल्बम के साथ शामिल है और जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है और जिन्होंने काम किया है और जो काम कर रहे हैं. एक्चुअली जितना इंतजाम अब देख रहा हूँ उसके बाद ये लग रहा है और जितना सुन रहा हूँ आगे जो होने वाला है उससे लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया. मैं पंकज तो ऐसे ही बैठे हुए बना दिया. मेहनत तो अब हो रही है जो देख रहे हैं जो नजर आ रही है कि बहुत मेहनत तो इन लोगों ने की है. हम तो आपस में गुनगुनाते रहे और लिखते रहे यही करते रहे पंकज जी. और पंकज जी के साथ काम करने के पंकज जी को बहुत दफा मिला, बहुत दफा मुलाकात भी हुई, देखा आमने सामना भी हुआ. और एक हसरत जरूर रही कि कभी इनके साथ बैठक की जाए. और ये पंकज जी की नवाजिश हुई कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि सिर्फ बैठक ही नहीं की जाए, सिर्फ बैठक के साथ कुछ लिखा पढ़ा भी जाए, कुछ गाया भी जाए, कुछ गुनगुनाया भी जाए. एंड द मोस्ट इमैकुलेटली ड्रेस्ड सिंगर, खूबसूरत गर्ल ड्रेस्ड, कहते हैं रहन सहन से तो कल्चर पड़ता चलता है. और जो कल्चर साधता तो वही है जो आपका रहन सहन है, खाना पीना है, जिस तरह से द वे यू कैरी योर सोसाइटी एंड योर सेल्फ, दैट इज व्हाट मेक्स इट. लेकिन एंड अ परफेक्ट 100-101% आ जेंटलमैन, सो हम्बल, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बावजूद. एंड पंकज जी फ्लोड मी टोटली रियली. उनके साथ जब काम शुरू किया एंड देन उसके बाद एक और जन्म से मुलाकात हुई, एक और जवाहर जो बिल्कुल ही नायाब है, जिसका मिलना ही मुमकिन नहीं है. दैट इज नायाब हरसेल्फ. और इतना खूबसूरत नाम दिया बिटिया को एंड शी हैज वर्क्ड सो वेल इन मेकिंग दिस एल्बम. और पंकज जी के साथ बैठे हुए सिर्फ ये था, पहले तो थोड़ा सा मैं घबराया हुआ था, मैंने जाहिर नहीं उन्हें दिया कि मैं घबरा रहा हूँ, थोड़ी सी एक्टिंग कर गया. एंड विद हिज काइंड ऑफ मॉडेस्टी, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल. आई मीन मॉडेस्टी, इतना मॉडेस्ट आदमी हो तो हैंडल करना आसान नहीं होता, वो बड़ी मुश्किल होती है. और उसमें उनके साथ कुछ सिलेक्शन की थी उन्होंने और मेरी किताब में से. आप ये बंद कर दीजिए ना, हो रहा है ना, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, बंद ही कर दीजिए, अब मत शुरू की, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वरना ध्यान उधर जाता है, ध्यान उधर जाता है कि मुझे कोई देख रहा है. आप यूं आंख से देखिए ना, कैमरे से क्यों देख रहे हैं, लेंस से मत देखिए. तो उनसे जब मुलाकात हुई, कुछ किताब में उन्होंने कुछ गजलें मार्क की थी और एक आध मैंने सजेस्ट भी कर दी, मैंने कहा इसमें से ये गजल करके देखिए, ये देख लीजिए. और एक आध गजल, क्योंकि जो सभी के चुनाव आ जाती है, शाम से आंख में नमी सी है, तो वो जगजीत भी गा चुके हैं और उससे पहले भी इसके 3-4 जन्म हो चुके हैं, वो किस्सा बताया मैंने उन्हें. तो उसके अलावा उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की जो सर आंखों पर, उनका मैं लज्म भी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा रेयर चीज़ है और कम होती है. तो मैं कह, ये तो बड़ी खुशी की बात है. तो अगली बार की मुलाकात का वक्त तय हुआ और मुझे होमवर्क मिल गया कि जब अगली बार ये गज़ल के लिए आएंगे तो मैं तो एक नज़्म लिख के तैयार रखता हूँ उनके लिए. और वो होमवर्क लिए हुए मैं इनका इंतज़ार करता रहा. हालांकि बहुत बिजी हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और उसमें मतलब एक पाँव इनका आसमान पे होता है, दूसरा ज़मीन पे उतरने वाला होता है, इतना सफ़र करते हैं. अब सफ़र करते हैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ. तो उस हालत में मैंने नज़्म तैयार कर ली और जब आए तो उन्होंने गज़ल का चुनाव शुरू किया और वो नज़्म मैंने उन्हें सुना दी. मैं बड़ा बेताब था कि उन्हें वो नज़्म सुनाऊँ. रात वो रुकी नहीं, वो रात ही नहीं रुकी, रात को वो नहीं रुकी. मैं किसी का जिक्र नहीं, किसी शख्सियत का जिक्र नहीं है, उस रात का जिक्र है जो रात रुकी नहीं. That night
passed by. It never stayed back. So when he तो वो करते कराते और ये गजल जो अभी शाया नहीं हुई थी किताब में मैंने वो पेश की. मैंने कहा ये देखे कल ये थोड़ी चाहिए, वो बारिश हो रही है और हल्की हल्की सी बारिश है और पेड़ के नीचे खड़े हुए देख रहे हैं और सोच रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है पेड़ के नीचे. अच्छा वो भीग भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं पेड़ के नीचे कौन था कल की बारिश में, पेड़ के नीचे कौन था कल की बारिश में और भीग रहा था हल्की हल्की बारिश में. तो उस पे बंदिश बना लिया, अपना गजल बना लिया, हमें मौका मिला और शेर कहने का मौका मिला. तो कल ये एक सिटिंग रखें तो, और एक इनके साथ एक रतन है. अब उन्हें पंडित जी कहना ठीक नहीं पर उसे दीपक ही कहा जाए तो अच्छा नहीं पंडित हैं बहुत काबिल रत्न है उनके साथ. तो वो भी और कुछ ठेका लगाना शुरू किया या आपस में कुछ गिनते रहते हैं. हम लोग तो रुपए गिनते हैं तब ऐसा करते हैं, ये लोग ताल गिनते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं. तो उंगलियों से मैंने उनको गिन के उन्होंने कुछ ऐसे ही गुनगुनाना शुरू किया. तो एक धुन गुनगुना रहे थे तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन सी गजल है. कहने नहीं मैं एक सिर्फ वो ताल जो बता रहे हैं दीपक ने जो बताया तो मैं उसको जरा सा कंपोज करने की कोशिश कर रहा था. तो मैंने कहा गुनगुनाइए तो सही ना. उन्होंने थोड़ा सा गुनगुनाया और धुन बड़ी अच्छी लगी. तो मैंने कहा इसमें एक याद रखने के लिए एक मिसरा दे दूं मैं. तो याद रखने के लिए एक मिसरा बना के दिया. कहने ये तो मिसरा तो बड़ा सही है तो दूसरा मिसरा लगाइए तो इसका मुखड़ा बना लेंगे. तो उस वक्त बैठे हुए उनकी धुन पर उनके गुनगुनाते मैं क्या किताब छोड़ दीजिए अब ये बताइए क्या क्या करना है. तो उसके बाद किताब छोड़ दी गई और उनकी धुन पे कुछ लिखते रहे, कुछ मुझे जो सुनती रही उस पर वो बनाते रहे. एंड दिस इज How we made this album. ये album जिसका नाम मैं मिट्टिया का नाम उसमें शामिल करना चाहता था वो लम्हा लम्हा सोच रहे थे, मैं नायाब नायाब सोच रहा था तो हमने मिला के उसे नायाब लम्हे बना लिया. इस तरह से ये आपके सामने पेश कर दिया गया. अब ये इस तरह की एल्बम्स की किल्लत हो गई है, बहुत ज़रूरत है. एक फिजिकल अपीयरेंस जो आपके सामने, जैसे आप किताब लेने जाते हैं ना तो एक ऑथर आपका पसंदीदा ऑथर है कि भाई मंटो पसंद है तो मंटो की अच्छा ये किताब तो देखी नहीं ये भी देखा ये. अब वो जो डाउनलोड एक एक करके डाउनलोड करते हैं तो उसमें तो आप वो एक एक बूंद में आप भीगेंगे भी नहीं पूरी तरह से. क्या भीगेंगे आप, कम से कम एक एल्बम तो लेके जाइए ताकि आप सुने एक गायक को, एक गायक को बैठ के उसके साथ एक शाम गुजारे जाए ताकि आप सुन सकें. इसलिए मुझे ये लगता है कि एल्बम का एक फिजिकल अपीयरेंस वो बहुत ज़रूरी है शायर के लिए भी कि बैठें तो अब मेरे गजल कह ली और एक बात कह ली या एक धुन पे एक नज़्म बना ली एक संगीत बना लिया उसके बाद कि ये तो डाउनलोड किया है इस पर देखें कितने लोग हिट करते हैं कितने वो डाउनलोड करते हैं. एंड एवरीबडी डजंट गो दैट वे, हर आदमी सिर्फ वो नहीं करता. ये चलते फिरते आदमी भी जिनको फुर्सत नहीं है उनके लिए, लेकिन जिन्हें फुर्सत के साथ म्यूजिक सुनना है, फुर्सत के साथ धुन सुननी है, फुर्सत के साथ एक सुरीली शाम गुजारनी है, उनके लिए वो अकेले अकेले एक एक बूंद मांगने से कुछ नहीं होता. इसलिए एल्बम की बड़ी सख्त जरूरत है. मुझे लगा कि एल्बम होनी चाहिए, इस तरह इस एल्बम का वजूद बनाया कि जिसमें चार पांच हो, एक गलूकार के साथ एक गाने वाले के साथ एक शाम तो गुजारी जाए, एक पूरी शाम तो गुजरे कम से कम उसके साथ. और अगर आप खुशकिस्मत हैं तो अगर शायर भी एक ही है, चार पांच शायर नहीं है उसमें, तो शायर को भी मौका मिलता है कि हाँ आपके साथ एक शाम मैं भी कुछ पेश करूं, मैं भी कुछ अर्ज कर सकूं. तो उस तरह से ताकि दोनों दो आर्टिस्ट का
कि पेशकश आपके सामने होगा, आपकी शाम गुजारी उनके साथ और कुछ एक नायाब शाम गुजारी है और उसमें कुछ नायाब लम्हे चुनके रखिए जो आप अपने साथ ले चले। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या कहने हैं। तो फुर्सत के कुछ लम्हे एक शाम गुजारिए विद नायाब लम्हे। और इस वक्त मैं स्टेज पे अब दावत देना चाहूंगा सलीम भाई को। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली सलीम आरएफ जॉइनिंग अस। या तो आपका स्कूल में है तो आप सबको मेरा नमस्कार। साहब नीरज दिनेश भाई ऑन स्टेज वेलकम टू दिस इवनिंग। इस पूरे तजुर्बे को दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट वन ईयर आई कैन सम अप इन वन सेंटेंस व्हिच इज ड्रीम कम ट्रू। बहुत जिसको कहें कोइंसिडेंस कहें या जिसे डेस्टिनी कहें कि बचपन में रेडियो के अलावा एंटरटेनमेंट का और कोई जरिया नहीं था। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे याद है कि घर में एक रेडियो था और रेडियो के जरिए हम जो भी म्यूजिक जो है वो रेडियो के जरिए सुनते थे। शायद उस जमाने में नए नए रिकॉर्ड प्लेयर्स आए थे लेकिन शायद ऐसी सहूलियत नहीं थी, ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। तो ओनली थिंग विच वॉज देयर इन द हाउस वॉज रेडियो। और बचपन से गा रहा हूँ और बचपन से मौसीकी का बहुत ही ज़्यादा शौक, एक जिसको कहेंगे एक पैशन। तो एक गाना पहली बार मैंने सुना, मोरा गोरा अंग लैला, और लता जी की आवाज, बरमंदा का म्यूजिक, और कहीं एक इंट्रिक, कहीं एक हिंदी में कहें तो उत्सुकता हुई कि ये गाना जो है वो एक अलग अंदाज में लिखा गया है, लहजा अलग है, अंदाज अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, लेकिन उतनी समझ नहीं थी उस जमाने में टू एनालाइज कि ये क्या है। धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया तो बहुत सारे गाने मैं सुनते गया, गुलजार साहब की फिल्मों के। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेहदी हसन साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई लंदन में 1977, जनवरी ऑफ 1977। तो उस वक्त मैं कॉलेज से बाहर निकला था और आई वॉज बैकपैकिंग यूरोप में, और तो मैं लंदन में मेरे एक दोस्त के साथ रुका हुआ था और वो मेरा दोस्त जो है उसने यूके में मेहदी हसन साहब का कॉन्सर्ट टूर किया था पूरा। तो उसकी वजह से मेरी पहचान मेहदी हसन साहब से हुई। मेहदी हसन साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उस दौर में एक फिल्म आई थी मौसम, गुलजार साहब की, विच वॉज डायरेक्टेड बाय गुलजार साहब, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। तो जैसे हम गाड़ी में बैठते थे तो मुझे याद है कि मैंने मौसम, उस जमाने में तो सीडीज नहीं थी तो कैसेट हुआ करते थे, तो मौसम का एक कैसेट उस गाड़ी में लगा हुआ था। तो मैंने एक बार मेहदी साहब को मौसम की वो गजल सुनाई जो लता जी ने गाई है कि रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले। तो मेहदी साहब मुझे ऐसा लगा कि कोई एक ट्रांस में चले गए। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि पूरे टूर में जब भी हम गाड़ी में बैठे तो सीधे मेहदी साहब कहते थे कि यार पंकज वो गजल लगाओ, और फिर वो गजल जैसे कहें कि लूप पे नॉनस्टॉप चलती थी। तो हर बार इस बात का एहसास होता रहा, मैं सोचता रहा
Or I would say that I was fascinated by Gulzar Sahab's poetry. हम सब जानते हैं कि और चूंकि मैंने पिछले 40 साल उर्दू अदब और गजलों के साथ बिताए हैं तो मैं जानता हूं कि गुलजार साहब का जो लहजा है उनका जो एक अंदाज है उनकी उनका सोचने का जो ढंग है उनका लफ्ज कहने का जो रंग है जो अंदाज है वो अपने आप में एक ही है यूनिक है There is not a single poet who writes for things like what he does. That was even more fascinating. और फिर ये हुआ कि मैं कुछ अपनी जिसको कहें कि हर कोई इंसान जिंदगी में शुरुआत में करियर ओरिएंटेड होता है मैं भी अपने कामों में कहीं ना कहीं खोसा गया और लेकिन कहीं एट द बैक ऑफ माय माइंड आई ऑलवेज वांटेड कि कभी गुलजार साहब से मुलाकात हो कभी उनसे मैं गुजारिश करूं कि भाई आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ आई कुड इवन सिंग वन ऑफ योर सॉन्ग्स और उसके लिए मैं सलीम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ ही एक्चुअली इज द कैटलिस्ट के सलीम भाई से मेरी मुलाकात होती रही खजाना को लेके और सलीम भाई हिमसेल्फ इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट तो सलीम भाई के सामने सलीम भाई को मैंने मेरी ख्वाहिश जाहिर की कि सलीम भाई ये मेरी ख्वाहिश है कि गुलजार साहब के साथ अगर मैं कुछ कर सकूं तो पहले तो सलीम भाई ने मुझे गुलजार साहब का एक मजमुआ एक किताब आपकी दी और वो मैंने पढ़ी पूरी किताब उसके बाद फिर मेरी गुलजार साहब से पहली मीटिंग हुई मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ही मेड मी सो वेरी कंफर्टेबल और सही में मैं समझता हूं कि ये पूरा जो एल्बम हमने किया है दिस एल्बम इज टोटली स्पॉन्टेनियस इस एल्बम का कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जो बहुत सोचने के बाद और बहुत मेहनत के बाद या बड़ी मुश्किल से हुआ मिसाल के तौर पे मुझे अभी भी याद है कि उनकी गुलजार साहब की यह गजल मुझे बहुत पसंद आई कि न जाने कहाँ छोड़ आए उसे न जाने कहाँ छोड़ आए उसे वो शख्स जिसे हम जानते थे और उसका दूसरा मिसाल था न जाने कहाँ हम छोड़ आए उसे वो शख्स जिसे हम जानते थे क्या और उसे पहचानते थे वो उसका मतलब था तो मैं गुलजार साहब के घर पहुंचा और मैंने गुलजार साहब को कहा कि गुलजार साहब ये मतलब मुझे बहुत पसंद है आहट से उसे हम जानते थे और क्या परछाई से उसे पहचानते थे तो गुलजार साहब ने कहा कि आपको पसंद है तो आप बनाइए तो दीपक थे मैं और हम बैठे और मैंने हारमोनियम पे एक कॉर्ड मैंने सुर दबाए हारमोनियम के और पता नहीं मैं वो गजल गाने लगा और गुलजार साहब वैसे कहते हैं कि भाई ये अभी भी जो कह रहे थे कि भाई आप कुछ गिनते रहते हो लेकिन गुलजार साहब को मौसीकी संगीत की बहुत गहरी समझ है और वो जानते हैं कि सुर क्या है कौन से सुर ऐसे हैं जो दिल को छूते हैं बल्कि आप पूरी फिल्मोग्राफी ले लें गुलजार साहब की तो गुलजार साहब की फिल्मों में आपको कोई भी वीक गाना नहीं मिलेगा हर कोई गाना जो है गुलजार साहब का वो हीरा है वो जैम है तो वो बस ऐसे ही स्पॉन्टेनियस वो
गजल बन गई और मेरे ख्याल से इस एल्बम में दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गजल। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ये है कि इस दौरान काफ़ी ट्रैवलिंग रही मेरी और बहुत सारा सब कुछ बीच में होता रहा। वी हैव स्पेंट नियरली अ ईयर वर्किंग ऑन दिस एल्बम। पिछले साल सलीम भाई के साथ मेरी गुलजार साहब से मुलाकात हुई थी। तो लेकिन खूबी की बात यह है, खूबसूरत बात यह है कि एक साल कैसे निकल गया उसका पता नहीं चला। नीरज मेरे पास बैठे हैं, नीरज को मैं पिछले साल मिला था और नीरज के साथ मैंने ये आइडिया शेयर किया था कि नीरज आई एम प्लानिंग टू डू दिस प्रोजेक्ट। तो नीरज ने कहा कि हंगामा इज देयर टू सपोर्ट यू ऑल अलोन एंड वी विल मेक श्योर that we will make this the biggest album of the year. तो करते 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 almost एक साल निकल गया। लेकिन I would certainly say that in my life I will certainly cherish this 1 year which I have spent with Gulzar Sahab, which I have spent with Deepak, which I have spent with all my musicians. It has been a beautiful experience. और जैसे गुलजार साहब ने कहा कि अब इस दौर में किसको मौका मिलता है, किस फनकार को मौका मिलता है कि आप एक पूरा एल्बम यानी 6-8 गजलें रिकॉर्ड कर सकें, नज़में रिकॉर्ड कर सकें। और ये तो आपको एल्बम सुनने के बाद ही पता चलेगा कि गुलजार साहब पोएट्री इज़ फ्लोइंग, गुलजार साहब पोएट्री इज़ आउटस्टैंडिंग। एंड बड़ा मुश्किल है ये कहना कि इसमें मेरी पसंदीदा चीज़ कौन सी है। जैसे अभी जिक्र किया उन्होंने कि रात वो रुकी नहीं, चांद जैसा पल लगा, वो नज़म ऐसी खूबसूरत नज़म लिखी है, दैट वाज रिटन बाय गुलजार साहब वेरी स्पॉन्टेनियसली। तो मैं समझता हूँ कि दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड इन माई लाइफ इन 40 years ऑफ माई सिंगिंग करियर, for which I am thankful to Salim bhai, Gulzar sahab, Neeraj, everybody around, Deepak. Deepak has put in so much of efforts. Deepak, for all of you who are not basically aware of Deepak's role, but Deepak is one of the finest violin player in the country today. Deepak is also a brilliant music arranger, a music composer, is a multi-talented personality, and Deepak has really put soul in this album through his music. Deepak, thank you so much. मैं सबका जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है, जितनी बात कहूँ उतनी कम है। I can go on for hours saying my thanks to everybody, but thanks to everybody which includes Tosh is my daughter, but which includes Nayab for being there with me all along, supporting me at every point. Jignesh bhai for all your support. Sahi mein inhone jo kaha ki they turn a rock into a solitaire. Sahi mein I have known him for a long time and I know that they are capable of doing that. Thankful to Neeraj and Hangama, the whole team of Hangama. So many is here. My FM is here. I am very thankful to My FM. My FM is going to take this album across 31 cities in India. Thank you so much. And Anmol, who has been an integral part of Khazana every year, one of the, not one, but the most popular RJ in the country today, who is here this afternoon. Abhinav Upadhyay, who has always been very, very supportive, Harmony Production. Thank you so much, Abhinav. I can go on thanking everybody, Zareen and Darayas Godla and the whole lot, the whole team. Ashish Chole, who's also here, who's recorded the album. Thank you, Ashish, for putting up with us. And once again, thank you, Salim bhai, for being there always. Sorry, as I said, that it's a never-ending list of thank yous, but
Yes, special thanks to Vaibhav Patil, who is again very, very supportive, who has been with us all along. And thank you so much, everybody. एक बार फिर से गुलजार साहब का खास बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने उसके लायक समझा. मुझे ही फाउंड मी और ही थॉट दैट आई वाज वर्थी ऑफ सिंगिंग हिज वर्ड्स व्हिच आर ईच आई कुड टेल जिग्नेश भाई दैट ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ गुलजार साहब इज अ सॉलिटेयर. सो थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी वर्थी ऑफ सिंगिंग योर ब्यूटिफुल पोएट्री. थैंक यू सर. Thank you so much. देखिए शाम का एक ऐसा लम्हा आता है. I think एक गुलजार साहब legendary figures together for the first time ever in the history of Indian music. गुलजार साहब की कही हुई एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है कि legends यूं ही तंदूर पे नहीं पका करते. चलिए so now is the moment कि हम आपके सामने लेकर आए नायाब लम्हे ये एल्बम इसका. So that's the team, guys. Everybody, come on, give it up for the whole team. और अब आपके लिए, आपकी नजरों के लिए, आपकी उन हसीन शामों के लिए, ये है, ladies and gentlemen, नायाब लम्हे. तालियों से, please. For everyone to take back home, please. Thank you. Thank you so much. और जैसे कि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि शाम के वो फुर्सत के लम्हे और हसीन बनाएं. When we have नायाब लम्हे with us. Can we have a look at the album, you know, something as, you know, yeah. Let's have a video. We'll have a touch and feel of how it is.